हाय फ्रेंड्स, बेसिकली आज मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाने वाली हूँ हमारी प्रोडक्ट के। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आज आपको एक सेमी ऑटोमेटिक जो हमारा मशीन है और फुली ऑटोमेटिक जो मशीन है उनकी एक कंपैरिजन आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है और क्या इसका आपके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट हो सकता है। कि सेमी ऑटोमेटिक जो हमारा मशीन है उसमें डिफरेंस ये रहता है कि उससे उसकी जो प्लेट रहती है ना वो आपको हाथ से घुमानी पड़ती है। सो बेसिकली डिफरेंस यही रहता है कि आपका प्रोडक्ट में कटिंग अच्छे से हो जाता है, साइज वगैरह सब ऑटोमेटिकली सेट रहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक ही जगह पे होता है। मतलब आपकी एक प्लेट है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट बन रही है और एक ही जगह पे कटिंग भी हो रहा है, तो अगर आप कोई शीट लेके चल रहे हो तो आपको उसे हाथ से हटाना पड़ेगा। यस, और जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें ये रहता है कि उसमें कैसा है कि पूरा आपका एक सिस्टम रहता है कि आपका एक साइकिल हो जाता है। एंड बेसिकली अगर आपका एक साइकिल में 6, 7, 8 जितना भी आपकी साइज के अकॉर्डिंग जो भी रहता है वो आपका एक प्रोसेस हो जाता है पूरा। सो आप एक शीट रखते हो, उसका पूरा एक प्रोसेस हो जाता है एंड उसके बाद आपको उस सिर्फ शीट हटाना है एंड आपको दूसरा शीट रखना है। सो ये दोनों वैरायटी में दिक्कत ये है कि आपका प्रोडक्शन काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। एंड दूसरी बात ये है कि सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है उसमें आपका प्रोडक्शन पूरे अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो 60-70 kg हो जाएगा उसमें भी प्रोडक्शन, एंड फुली ऑटोमेटिक मशीन में भी उतना ही हो जाता है। बट सेमी ऑटोमेटिक में दिक्कत ये रहती है कि आपको एक लेबर लगता है, आपको एक पर्सन वहाँ पे रुकाया हुआ रखना पड़ता है। आप फ्री रह के कुछ भी काम कर सकते हो, आप वहाँ पे एक रख देते हो शीट, आपका एक प्रोसीजर ख़त्म होता है तब तक आप वो शीट लेके वहाँ पे दूसरा रख के उसे सुखाने के लिए लेके जा सकते हो। कि आपका वो टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपका एक लेबर का वो जो चार्ज आपको जब सेमी ऑटोमेटिक में लगाना रहता है वो वहाँ पे आपका बच जाता है। काफ़ी इफेक्टिव भी है एंड आपके प्रोडक्शन के लिए भी वो अच्छा है कि आपको इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है, आपका वो फ़ायदा हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली एक पर्सन को वहाँ पे बिठाना ही पड़ेगा, और इसमें यह है कि आपको वहाँ से विदाउट एनी पर्सन आप काम कर सकते हो, आप दूसरा काम भी कर सकते हो उसके साथ साथ। सो आपका ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जा रहा है। प्लीज़ आप दोनों ही वीडियो को कंपेयर कीजिए एंड ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से अगर आपका प्रोडक्शन लेवल कम है तो सेमी ऑटोमेटिक इट्स ऑल्सो गुड, बट अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है, आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ ही जाइए। थैंक यू।